भले ही कोई बहुत सी संहिता कंठस्थ कर ले, लेकिन प्रमादवश उसका आचरण न करे तो वह दूसरों की गऊएं गिनने वाले ग्वाले के समान है और वह श्रामण्य का अधिकारी नहीं होता। भले ही कोई पूरा वेद कंठस्थ कर ले, संहिता कंठस्थ कर ले, लेकिन उसका आचरण न करे, कितना ही ज्ञानी हो जाए लेकिन ज्ञान उसका जीवन न बने तो वो पाप में ही जिएगा। जानने से पुण्य का कोई संबंध नहीं है, जीने से संबंध है। खुश्क बातों में कहां ए सेख कैफे जिंदगी, वो तो पीकर ही मिलेगा जो मजा पीने में है। पीने के संबंध में कितनी बातें याद कर लो, शराब के सब फार्मूले कंठस्थ कर लो, परमात्मा के संबंध में जो कहा गया है याद कर लो, कितनी ही संहिता कंठस्थ कर लो, वो तो पीकर ही मिलेगा जो मजा पीने में। खुश्क बातों में कहां, वो तो पीकर ही मिलेगा जो मजा पीने में। तो बुद्ध कहते हैं कि जब तक जो तुमने जाना वो तुम्हारा जीवन ना हो, जब तक तुम्हारे जीने और तुम्हारे जानने में अंतर होगा तब तक तुम भटकोगे। जब तुम्हारा जानना ही जीवन होगा और तुम्हारा जीना जीना ही जानना होगा, जब तुम्हारे होने में और तुम्हारे बोध में कोई अंतर न रह जाएगा, जब संहिता कंठ में न होगी हृदय में होगी, जब वेद केवल मस्तिष्क की खुजलाहट न होगी हृदय का भाव बनेगा, तब चाहे शब्द भूल जाएं, सिद्धांत विस्मृत हो जाएं, लेकिन तुम जीते जागते प्रमाण होगे, तुम सिद्धांत होगे। तुम्हारे पास चाहे ईश्वर को प्रमाणित करने का कोई तर्क ना हो, लेकिन तुम ही तर्क हो गए होगे, तुम्हारी मौजूदगी प्रमाण बनेगी। इसलिए तो बुद्ध ईश्वर की बात नहीं करते, वो स्वयं ईश्वर के प्रमाण है। उन्हें देखकर जिसको भरोसा ना आया उसे तर्क देकर भी भरोसा कैसे दिलाया जा सकेगा। एक युवक ने बुद्ध से पूछा है एक दिन कि मुझे आनंद निर्वाण मोक्ष इन पर कोई भरोसा नहीं आता, आप कृपा करें और मुझे समझाएं। बुद्ध ने कहा मुझे देखो, और अगर मुझे देखकर भरोसा ना आया तो मेरे कहने से कैसे भरोसा आ जाएगा। मैं यहां मौजूद हूं प्रमाण की तरह, और अगर तुम मुझे नहीं देख पाते तो तुम मुझे सुन कैसे पाओगे। जिसने मुझे देखा उसे सुनने की जरूरत ना रही, और जिसने सुनने का ही ध्यान रखा वो मुझे देख ना पाएगा। भले ही कोई बहुत सी संहिता कंठस्थ कर ले, लेकिन प्रमादवश उसका आचरण ना करे। जानना तो बड़ा सरल है, क्योंकि जानने से अहंकार को बड़ी तृप्ति मिलती है, मैं जानने वाला हो गया। मुझे चारों वेद याद हैं, दूसरे अज्ञानी हैं मैं ज्ञाता हूं। जानने में एक अकड़ है, एक अहंकार है, प्रमाद है। इसलिए तुम पंडित को बड़ा अकड़ा हुआ पाओगे। अकड़ कोड़ी है, नपुंसक है, भीतर कुछ भी नहीं है, लेकिन पंडित को तुम बड़ा अकड़ा पाओगे। वो सब तरफ कहे बिना कहे घोषणा करता है कि मैं जानता हूं। जानने से तो अहंकार कटता नहीं बढ़ता है, जीने से गिर जाता है। जो परमात्मा के रास्ते पर या सत्य के रास्ते पर एक कदम भी चलेगा वो झुकने लगेगा, जो शास्त्र के रास्ते पर लाख कदम भी चले झुकना तो दूर रहा और भी अकड़ जाएगा।
शास्त्र खोपड़ी को और भी भर देते हैं, मिटाते नहीं। शास्त्र हृदय से और दूर कर देते हैं, पास नहीं लाते। शास्त्रों में सत्य नहीं मिलता किसी को, शास्त्रों से तो और अहंकार मजबूत हो जाता है। भले ही कोई बहुत सी संहिता कंठस्थ कर ले, लेकिन प्रमादवश उसका आचरण न करे तो वह दूसरों की गऊएं गिनने वाले ग्वाले के समान। बड़ा प्यारा प्रतीक है, से ग्वाला तुम्हारे गांव भर की गऊओं को इकट्ठा करके जंगल ले जाता है, दिन भर चराता है, गिनती रखता है, लौटा लाता है, कहता 500 गऊएं चरा के लौटा, तो एक गऊ तुम्हारी नहीं है उसमें, सब दूसरों की है। वेद कितने ही सुंदर हों, दूसरे की गऊएं हैं। उपनिषद कितने ही सुंदर हों, दूसरे की गऊएं हैं। तुम्हारा क्या है, ग्वाले ही बने रहोगे, मालिक कब बनोगे? शब्द सीख लेने से आदमी ग्वाला ही रह जाता है, और गऊएं कितनी ही हों, अपनी एक भी नहीं, सब उधार, सब दूसरों की। लेकिन ग्वालों में भी अकड़ होती, अगर एक ग्वाला 100 गऊएं रखता है और दूसरा ग्वाला 500, तो 500 वाला ज्यादा अकड़ा रहता। वो कहता तू है क्या मेरे सामने, 100 गऊएं चराता मैं 500 चराता, मगर गऊएं सब दूसरों की हैं, 100 हो कि 500 हो, तुम चतुर्वेदी हो कि त्रिवेदी कि द्विवेदी, इससे क्या फर्क पड़ता है, गऊएं सब दूसरों की। अपनी कोई एक भी गाय हो तो ही जीवन को पुष्ट करती है, तो ही उसका दूध तुम्हें मिल सकता है, तो ही तुम उसके मालिक हो। वो दुबली पतली हो, दीन दरिद्र हो, अपनी हो, तो भी किसी की स्वस्थ स्वीडन से आई गाय के मुकाबले भी बेहतर है। पीने वाले एक ही दो हों तो हों, मुफ्त सारा मैं कदा बदनाम है। ज्ञानी बहुत दिखाई पड़ते हैं, पीने वाले एक ही दो हों तो हों। वेद के जानने वाले, उपनिषद कुरान के जानने वाले बहुत हैं, पीने वाले एक ही दो हों तो हों, मुफ्त सारा मैं कदा बदनाम है। शराब घर में जितनों को तुम बैठा देखते हो सबको पीने वाले मत समझ लेना, उनमें से कई तो पानी ही पी रहे हैं और नाटक कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं कि गहरे नशे में, और पानी पी के सिर हिलाने से कुछ भी नहीं होता। ज्ञान के मैखाने में सत्य की शराब जहां बिकती मिलती, वहां पीने वाले बहुत मुश्किल से कभी एक दो मिलेंगे, क्योंकि पीने वाले को मिटना पड़ता है। वो रास्ता खतरनाक है, जोखिम का है, जुआरी का है, तो बहुत से तो केवल पीने का बहाना करते, डगमगा के चलते, नाटक करते। पंडितों को गौर से देखना, शराब कभी पी ही नहीं, शराब का शास्त्र कंठस्थ किया है और उसी से मतवाले होके चल रहे हैं। बातचीत सुनी है, नशा छा गया है। इस नशे की भ्रांति में मत पड़ना, जो दूसरों की गऊएं गिनने वाले ग्वाले के समान है वह श्रामण्य का अधिकारी नहीं हो सकता। इस शब्द को थोड़ा समझ लेना जरूरी है। भारत के पास दो शब्द हैं, ब्राह्मण और श्रमण। कभी ब्राह्मण शब्द बड़ा अनूठा था, उसका अर्थ था जिसने ब्रह्म को जाना, लेकिन फिर शब्द गिरा, पतित हुआ, फिर उसका अर्थ इतना ही हो गया कि जो शास्त्रों का जानकार है, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, ब्रह्म के जानने से उसका कोई संबंध न रहा।
वो शब्द पतित हो गया, उसका अर्थ खो गया। उद्दालक ने अपने बेटे श्वेतकेतु को कहा है कि ध्यान रख, हमारे घर में बस कहलाने वाले ब्राह्मण पैदा नहीं हुए, हमारे घर में सच में ही ब्राह्मण पैदा हुए। तो तू याद रखना, कहीं तू ये मत समझ लेना कि तू ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ इसलिए ब्राह्मण हो गया। ब्राह्मण होना पड़ेगा, ब्राह्मण कुल में पैदा होने से कोई ब्राह्मण होता है? ब्रह्म को जानने से कोई ब्राह्मण होता है? ब्रह्म के कुल में जब तुम पैदा हो जाओ, जब तक ब्रह्म ही तुम्हारा कुल न हो जाए, जब तक ब्रह्म की कोख से ही तुम पुनर्जीवित न हो, पुनर्जन्म न लो, तब तक ब्राह्मण के घर में पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। लेकिन यह हो गया था, सभी शब्दों के साथ ऐसा ही होता है। तो बुद्ध और महावीर को एक नया शब्द खोजना पड़ा, वो शब्द है श्रमण। वो ब्राह्मण के विपरीत है। श्रमण का अर्थ होता है जिसने श्रम करके अर्जन किया है ज्ञान को, उधार नहीं लिया। जैसे ब्राह्मण के घर में पैदा होकर वेद कंठस्थ नहीं कर लिया है, बल्कि जिसने वेद को जिया और जाना है, श्रम से आया है श्रमण। श्रमण का अर्थ होता है जिसने अर्जित किया है ज्ञान, उधार बासा चुराया नहीं, किसी और की जूठन इकट्ठी नहीं कर ली है। वो चाहे जूठन फिर ऋषियों की ही क्यों ना हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, जूठन जूठन है। जिसने अपने जीवन सत्य को स्वयं ही पहचाना है, साक्षात्कार किया है, श्रम से जिसने अर्जित किया है, वो श्रमण। तो बुद्ध कहते हैं जो दूसरों की गऊएं गिनने वाले ग्वाले के समान है, वो श्रामण्य का अधिकारी नहीं होता। वो भला ब्राह्मण अपने को कहता रहे, लेकिन श्रमण हम उसको न कहेंगे। फिर श्रमण की भी वही दुर्गति हो गई, सभी शब्दों की वही गति हो जाती है। अब जैन मंदिरों में, बौद्ध विहारों में श्रमण बैठे, वो वैसे हो गए जैसे ब्राह्मण थे। उन्होंने कुछ जाना नहीं, बुद्ध के शब्द कंठस्थ कर लिए, महावीर की वाणी कंठस्थ कर ली। खुद कोई अनुभव नहीं है, कोई एक किरण भी नहीं उतरी अनुभव की, शब्दों का अंधेरा है, अनुभव की एक किरण नहीं। शास्त्रों की बड़ी भीड़ है, बोझ, लेकिन शून्य का एक भी स्वर नहीं। तो दब गए हैं शास्त्रों से, लेकिन शून्य की मुक्ति, जो ब्राह्मण की दुर्गति हुई थी, वही अब श्रमण की हो गई, सभी शब्दों की हो जाती। क्योंकि जल्दी ही आदमी को यह समझ में आ जाता है, मुफ्त ज्ञान, चुराया ज्ञान इकट्ठा कर लेना सस्ता है, उसमें दांव पे कुछ भी नहीं लगाना पड़ता। कूड़ा करकट कहीं से भी इकट्ठा कर लाए, लेकिन अगर ज्ञान स्वयं पाना हो तो अपने को गंवाना पड़ता है। जो अपने को खोने को राजी है, वही सत्य को पाने का अधिकारी होता है, वही श्रामण्य का अधिकारी होता है, वही ब्राह्मण कहलाने का हकदार होता है। भले ही किसी को थोड़ी सी ही का आचरण हो, राग द्वेष और मोह को छोड़कर सम्यक ज्ञान और विमुक्त चित्त वाला हो, तथा इस लोक और परलोक में किसी भी चीज के प्रति निरभिलास हो, तो वह श्रामण्य का अधिकारी होता है। लुफ्ते में तुझसे कहूं क्या जाहिद, हाय कम वक्त तूने पी ही नहीं। वो जो शराब का मजा है लुफ्ते में, क्या कहूं जाहिद, ने पी नहीं। इतना ही फर्क है जानने और जीने में। कितनी ही हम ब्रह्म की चर्चा करें, अगर तुमने भी थोड़ा स्वाद नहीं लिया, बात जमेगी नहीं। कितने ही हम ब्रह्म के चित्र तुम्हारे सामने उभारना चाहें, लेकिन अगर थोड़ी सी तुम्हारे भीतर भी किरण नहीं उतरी,
अगर थोड़ी सुख बुगाहट तुम्हारे भीतर के बीज ने अनुभव नहीं की, अगर थोड़ा तुम्हारा बीज भी नहीं टूटा, तो तुम समझ ना पाओगे। तुम सो भी गवाही बने, तुम्हारा अनुभव भी कहे कि हां ठीक है। तुम्हारा अनुभव कहे, विचार नहीं, तर्क से तो मैं तुम्हें समझा दूं, लेकिन तर्क से कहीं प्यास बुझी, शब्द से तो मैं तुम्हें भरोसा दिला दूं, लेकिन शब्दों के भरोसों से कहीं पेट भरा है। शास्त्र कितना ही ब्रह्म की चर्चा करते रहे, लेकिन तुम्हें किसी दिन पीनी पड़ेगी ये शराब, तुम्हें भी डोलना पड़ेगा उस नशे में, तुम्हें भी होश हवास खोकर, लोक लाज खोकर, मीरा ने कहा सब लोग, तुम्हें भी पग घुंघरू बांध नाचना पड़ेगा, मतवाला होना पड़ेगा, तो ही उस मदिरा का स्वाद तुम्हें आएगा। आचरण पर जोर इसीलिए है, भले ही किसी को थोड़ी सी ही संहिता कंठस्थ हो या ना हो, वेद सुना हो न सुना हो, लेकिन धर्म का जीवन हो, होशपूर्ण जीवन हो, आनंदपूर्ण जीवन हो, उत्सवपूर्ण जीवन हो, प्रमुदित जीवन हो, राग द्वेष और मोह को छोड़कर, क्यों दर्द के पैबंद लगे जाते हैं, तथा इस लोक और परलोक में किसी भी चीज के प्रति निरभिलाष हो, क्योंकि जिसकी आशा आगे भागी जा रही है वो यहां इसी क्षण मौजूद जीवन से अपरिचित रह जाएगा, वो कभी परिचित ना हो पाएगा। जीवन यहां, तुम कहीं और। तो बुद्ध ने कहा है इतनी सी भी अभिलाषा ना रह जाए, परलोक पाने की, स्वर्ग पाने की, परमात्मा को पाने की भी अभिलाषा ना रह जाए, इसलिए बुद्ध जानते हुए कि परमात्मा है और चुप रहे, क्योंकि शब्द निकाला मुंह, ऐसा नहीं कि बेजुबान थे, चुप रहे, क्योंकि तुमसे कुछ भी कहो तुम तत्क्षण उसे अपनी वासना का विषय बना लेते हो। अगर मैं ईश्वर के तुमसे गुणगान करूं, तुम्हारा मन कहता है तो फिर ईश्वर को पाना है, चाहे कुछ भी हो जाए ईश्वर को पाके रहेंगे। तुम पूछने आ जाते हो क्या करे जिससे ईश्वर मिल जाए, ईश्वर भी तुम्हारी वासना बन जाता है। जबकि लाख तुम्हें समझाया जा रहा है कि जब तुम निर्वासना हो जाओगे तब ईश्वर अपने आप आ जाता है, तुम्हें उसे खोजने जाना नहीं पड़ता। मोक्ष का अर्थ है जब तुम में कोई अभिलाषा न रहेगी और तुम मोक्ष की ही अभिलाषा करने लगते हो। तमन्ना आरजू क्यों कर कहूं कि कोई तमन्ना नहीं मुझे, अमीर के ये शब्द हैं बड़े महत्वपूर्ण। बाकी अभी है तर्क तमन्ना की आरजू, अभी इच्छा एक है बाकी कि सब इच्छाएं छूट जाएं, तर्क तमन्ना की आरजू, सब तमन्नाएं मिट जाएं, ये एक तमन्ना अभी बाकी है। क्यों कर कहूं कि कोई तमन्ना नहीं मुझे, इसलिए अभी कैसे कह सकता हूं कि मेरी अब कोई वासना नहीं, एक वासना अभी मेरी शेष है। अमीर ने जरूर बुद्ध को समझ के ये कहा होगा, इतनी भी वासना न रह जाए, ज्ञान की ध्यान की कोई वासना न रह जाए। क्यों? क्योंकि वासना का स्वभाव ही तुम्हें जीवन से वंचित करवाना। वासना का अर्थ है चुकाना, जो यहां था उससे हटा देना। वासना का अर्थ है तुम्हें गैर मौजूद करना, तुम्हें कहीं और ले जाना, और जीवन यहां था। जब जीवन तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा था तब वासना तुम्हें किन्हीं और ध्वनियों को सुनने को उत्प्रेरित करती है। वो जो द्वार पर दस्तक पड़ती है वो तुम चूक जाते हो वासना के शोरगुल में। वो जो धीमी सी आवाज प्रतिपल तुम्हारे भीतर से उठ रही है, तुम्हारे परमात्मा की आवाज, तुम्हारी संसार की, कभी परमात्मा की, निर्वाण की, कभी धन की, कभी धर्म की,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्म की वासना उतनी ही वासना है जितनी धन की, मोक्ष की कामना उतनी ही कामना है जितनी कोई और कामना। कामना कामना में कोई भी भेद नहीं है, क्योंकि कामना का मूल स्वभाव जो मौजूद है उससे तुम्हें चुकाना है, और निर्वासना का अर्थ है जो मौजूद है उसमें होना, जो अभी है, जो यहां है, उसके साथ तालमेल बिठा लेना, उसके साथ स्वरबद्ध हो जाना, छंदोबद्ध हो जाना। इस क्षण के पार तुम न जाओ, लेकिन तुम उसके जीवन में हो, होशपूर्ण जीवन हो उसका, जागृत। तो वेद जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम स्वयं वेद हो जाते हो। तुम जो बोलोगे होगा वेद, तुम जो कहोगे होगा उपनिषद। उठोगे पैदा हो जाएंगी भगवत गीताएं, बैठोगे कुरान जन्म जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर परमात्मा छिपा है, किन्हीं ऋषियों ने उसका ठेका नहीं लिया है। तुम ऋषि होने की क्षमता लेकर पैदा हुए हो, अगर तुम न हो पाए तो तुम्हारे अतिरिक्त तो कोई और जिम्मेवार नहीं रह जाए, और फूल न खिल पाए तो किसी और को जिम्मेवार मत ठहराना। तुम्हारे अतिरिक्त न तुम्हारा कोई मित्र है और न कोई शत्रु, तुम्हारे अतिरिक्त न तुम्हें कोई मिटा सकता न कोई बना, तुम्हारे अतिरिक्त न कोई दुख है न कोई सुख, तुम ही नरक हो तुम्हारे, तुम ही स्वर्ग। ऐसा बोध तुम्हारे भीतर जन्मे तो श्रामण्य का अधिकार मिलता है। आज इतना ही।